नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के कार्यक्रम में भोपाल महापौर आलोक शर्मा को आभार व्यक्त करने नहीं दिया गया था, जिसके चलते वे काफी नाराज थे और इसलिए वे कार्यक्रम को अधूरा छोड़कर ही वहां से चले गए, जिसके लिए उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के महापौरों के साथ मीटिंग करने की बात भी कही थी। लाल परेड ग्राउंड पर हुए उस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के सभी महापौर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचे और बैठक ली गई, जिसमें महापौर आलोक शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में लगातार चुने हुए जनप्रतिनिधियों और महापौरों को कांग्रेस की सरकार परेशान कर रही है, विकास के कार्य भी रोक दिए गए हैं और बीजेपी के जितने भी महापौर बचे हुए हैं उन्हें हटाने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। हम सभी महापौर मिलकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से बात करेंगे और हमारे साथ हो रहे इस बर्ताव से उन्हें अवगत कराएंगे। आज मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, रतलाम, कटनी, सतना, सिंगरौली, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, सागर, छिंदवाड़ा के सभी महापौर आज अपने लाडले नेता प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए यहाँ पे उनके बंगले के ऊपर आए। लगातार मध्य प्रदेश में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को कांग्रेस की सरकार परेशान कर रही है, महापौरों को परेशान किया जा रहा है, विकास के काम रोके जा रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जो सीएम इंफ्रा में विकास के कार्य स्वीकृत किए थे वो विकास के कार्य भी रोक दिए गए हैं। जगह जगह, कई जगह तो हमारे प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, कई जगह चुने हुए महापौरों को हटाने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। आज हम सभी महापौर आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारे इस बैठक में अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हमारे अखिल भारतीय महापौर परिषद के संगठन मंत्री भी उपस्थित हुए हैं। मैं आज महापौर परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के नाते सभी महापौर आज बैठकर आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के साथ आगे की रणनीति पे चर्चा करेंगे और सभी महापौर यहाँ से जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राकेश सिंह जी से और प्रदेश महामंत्री संगठन महामंत्री सुहास भगत जी से मिलकर जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में हम बताएंगे। हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का कांग्रेस की सरकार अपमान नहीं कर सकती है, चुने हुए महापौरों का काम विकास के काम नहीं रोक सकते और जो जो भी नगर निगम के कमिश्नर कांग्रेस के इशारे के ऊपर काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं, बहुत ही जल्दी मध्य प्रदेश के महापौर भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय जाकर मिलेंगे और ऐसे आईएएस अफसरों की शिकायत भी हम करेंगे। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय।